जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूँ सीआईएससी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है, जिसके माध्यम से फाइनली सीआईएससी ने कई सारे चीज़ों के बारे में एक्सेप्टेशन जारी किया है, जिसके चलते उन्होंने बताया है कि हम अपने 2023 के एकेडमिक सीजन को लेकर स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन पेपर उनके लिए आएंगे उनके लिए हम काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि सीआईएससी यह सोच रहा है कि स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे 2023 के एग्जामिनेशन में। अब ऐसा सीआईएससी क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और यहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल रिपोर्ट निकल गया है, जिसके माध्यम से आज आपको वन बाय वन इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अगर आप सीबीएसई सीआईएससी या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट आ गई है। सीआईएससी ने काफ़ी बड़ी चीज़ों को कन्फर्म किया है। सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है संयम भरद्वाज, उन्होंने एक ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से काफ़ी बड़ी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीआईएससी आखिर अपने स्टूडेंट्स के लिए ये सब बातें क्यों सोच रहा है, कि उसको डर है कि वह अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको पता होगा जो स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर निर्धारित किए जाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स के लिए वो क्वेश्चन पेपर ईजी होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू एज सीबीएसई के साथ साथ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी होती हैं। लेकिन आईसीएससी को टफेस्ट एग्जामिनेशन में शुमार किया जाता है, तो इसके चलते आईसीएससी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर आएंगे जाहिर सी बात है कि वो भी टफ होंगे। तो आपको याद होगा जो परख स्कीम लॉन्च हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों का जिक्र किया गया था। तो सीआईएससी फाइनली इनके टर्म एंड कंडीशंस को मान रहा है, साथ ही साथ आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर के लेवल आने वाले हैं अब उसको मॉडिफाई करके आपके सामने पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में अब क्वेश्चन पेपर के लेवल को ऐसा बनाया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने में नॉर्मल हैं या जो स्टूडेंट्स पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं उनके लिए भी सेम क्वेश्चन ही रहेगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर के साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। क्वेश्चन पेपर के मॉडरेट को इतना ईजी बनाया जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को इफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं संयम भरद्वाज, उन्होंने एक ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से इन सभी बातों को कन्फर्म किया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 के जो एकेडमिक सीजन होंगे उनमें क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बोर्ड काउंसिल कमेटीज़ की तरफ से ही डिसाइड होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन पेपर के मॉडल को तैयार किया जाएगा। बोर्ड काउंसिल कमेटी अपने से कोई भी फैसला नहीं ले सकती है कि क्वेश्चन पेपर के लेवल को मॉडरेट टू हार्ड कर दिया जाए, ऐसा करने के लिए मना किया गया है और इसके लिए साफ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सारे सर मैं आपको बता दूँ जितने भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, उनके लिए भी कभी कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी होंगे, जिनके माध्यम से आपके क्वेश्चन पेपर को लेवल को यहाँ पे थोड़ा सा इजी बनाया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्वेश्चन पेपर के लेवल्स में चेंजेस किए गए हैं उनमें में भी एमसीक्यू पैटर्न को खासकर स्वीकार किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सीआईएससी चिंता दिखा रहा है उसके माध्यम से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन काउंसिल कमेटीज़ के जितने भी हेड्स हैं तो वो इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी चिंतित है कि बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे से जो उसका प्रेफरेंस है वह काफ़ी बेटर रहे कंपेयर टू सीबीएसई और कंपेयर टू अदर स्टेट बोर्ड, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हट के बनाया जाता है कि आपके जो नंबर हैं वह अच्छे आए। नंबर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते थे सीबीएसई के सीआईएससी के, लेकिन ऐसा ना हो इसी बेसिस पे परख स्कीम को लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही साथ इन सभी चीज़ों में कई सारे बदलाव देखे जा रहे हैं। तो जैसे कोई नोटिफिकेशन आते हैं सीआईएससी की तरफ से सीबीएसई की तरफ से तुरंत यहाँ पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।